दादा के साथ बर्थडे मनाने की जिद, 3 वर्ष के बेटे वृद्धा आश्रम लेकर पहुंचे। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 3 साल का प्रियांशु तिवारी अपने दादा के साथ बर्थडे मनाने की जिद करने लगा। उसके दादा फौज में थे और 2002 में शहीद हो गए थे। 19 अक्टूबर को प्रियांशु का बर्थडे था। पिछले 10 दिनों से वो अपने पिता से दादाजी को घर बुलाने की जिद कर रहा था। रोज सुबह उठते ही जिद करने लगता कि इस बार दादाजी के साथ ही केक काटूंगा। बेबस पिता ने बेटे को समझाया कि आपके दादाजी देश के लिए शहीद हो गए हैं, अब वो भगवान के पास हैं, वहाँ से कोई नहीं आता। लेकिन पिता की समझाए इसका कोई असर मासूम पर नहीं पड़ा, तो परिवार के लोग उसे लेकर स्वागत भवन के पास संचालित वृद्धा आश्रम पहुँचे। यहाँ मासूम ने 50 बुजुर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दादा के प्रति पोते का प्यार देख वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग भावुक हो गए। कारगिल की जंग के बाद आतंकी कश्मीर छोड़ राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर से घुसने की फिराक में थे। 6 नवंबर 2002 को बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जिसमें कई आतंकी मारे गए। इसी मुठभेड़ में आतंकी की एक गोली 35 वर्षीय जवान प्राणनाथ तिवारी को लगी और वे शहीद हो गए। हम लोग मूलतः मनगवां क्षेत्र के डेल्ही के रहने वाले हैं। बच्चे की बात सुन भावुक हो जाते हैं सभी। शहीद की पत्नी ने कहा कि बड़े बेटे सोनू की शादी 4 वर्ष पहले हुई। 19 अक्टूबर 2019 को मेरा पोता हुआ। पिछले साल जन्मदिन पर पोता प्रियांशु कहने लगा कि सभी बच्चे के अपने दादाजी के साथ जन्मदिन मनाते हैं। हम लोगों ने उसे समझाया। इस बार तीसरे जन्मदिन पर फिर से पोता जिद करने लगा कि दादाजी को बुलाओ, तभी बर्थडे मनेगा। पोते की बात सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं। दरअसल हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है। बेटी की बात रखने के लिए इस बार हम लोग वृद्धा आश्रम में जन्मदिन मनाने आए। केक काटा और बुजुर्गों को खिलाया, 50 कंबल भी दिए। पिता सोनू तिवारी ने बताया कि 3 वर्षीय बेटी की जीत पूरी करने के लिए परिवार सहित बुधवार की शाम स्वागत भवन के पास संचालित वृद्धा आश्रम पहुंचे। प्रियांशु ने सभी बुजुर्गों से परिचय किया। इसके बाद केक काटा और बुजुर्गों के हाथ से ही केक खाया, फिर सभी को केक खिलाया। विदाई के रूप में ठंड से बचने के लिए 50 बुजुर्गों को कंबल दिया। कार्यक्रम की जानकारी लगते ही चोरहटा थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश पांडे और यातायात थाने के सूबेदार अखिलेश कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।